वेलकम बैक टू माय चैनल नीतू सिंह। तो फ्रेंड्स, आज हम फुट क्रीम बनाएंगे बेहतरीन, जो कि मतलब किसी ने नहीं बनाई होगी ये क्रीम। तो दो इंग्रेडिएंट ही लगेंगे जो कि हर घर में अवेलेबल होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए और बहुत ज़्यादा खर्च बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो चीज़ें मैं डालने वाली हूँ दो, तो वो तो नॉर्मली ही आपके घर में होंगी, ठीक है। तो इससे होगा आपके फुट को बहुत ही क्लीन हो जाएंगे, जैसे ड्राइनेस होगी या फिर फटी एड़ियाँ होंगी, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन होगा फुट में तो वो इससे ठीक हो सकता है। तो अगर कोई एलर्जी है तो वो नहीं हो सकती है। ये नहीं कहिएगा बाद में कि हाँ भी इससे एलर्जी नहीं ठीक हुई है, ये आपकी ड्राइनेस ठीक करेगा, देन आपके जो सॉरी क्रैक हील हैं वो भी ठीक करेगा, ठीक है। वो पुराने ज़माने में इतनी ज़्यादा फेमस थी, हर कोई लगाता था उसको, तो मतलब कोई झंझट वाली तो बात ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, और प्लीज़ जो मेरे चैनल पे नए होते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, और हम वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है बाउल, मतलब छोटी सी कटोरी। तो इसमें जो मैं इंग्रेडिएंट डालने वाली हूँ वो है ऑयल, यानी कि मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। तो मैंने 2 चम्मच यहाँ पे लिया है सरसों का तेल। तो सरसों का तेल हर घर में अवेलेबल होता है और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इसके बेनिफिट हैं। अगर मतलब हम बॉडी पे भी लगाएं ना तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। पुराने ज़माने में सभी यही यूज़ करते थे। तो इसमें मैंने सेकंड जो इंग्रेडिएंट है, आपने देख ही लिया होगा कि मैंने वाटर ऐड किया है 1 टेबल स्पून। ज़्यादा नहीं ऐड करना है, जितना हमने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है 1 टेबल स्पून हमने मतलब वाटर डालना है, ठीक है। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये आप कंसिस्टेंसी इसकी देख सकते हो कि कैसी लग रही है, जैसे क्रीम ही लग रही है एज ए। तो ये एज ए क्रीम का काम करेगी, आपके फुट जो हैं वो बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन हो जाएंगे, ठीक है। तो आप मतलब जब भी इसको वॉश करते हो फुट को अपने, तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत ही असरदार, कारगदार, मतलब बहुत ही अच्छी इसकी रिज़ल्ट है, ठीक है। तो ये मैं अब अपने आप मतलब फुट पे अप्लाई करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैं सरसों का तेल भी अप्लाई करती हूँ और कोकोनट ऑयल भी अप्लाई करती हूँ। मतलब जो भी मेरा दिल करता है मैं अप्लाई कर लेती हूँ। तो मैं ये रेमेडी जो है वो आपको मैं दिखाना चाहती थी कि सच में इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो मस्टर्ड ऑयल आपको पता है, यानी कि सरसों का तेल, सरसों जो है वो हमारे मतलब क्लीन करती है हमारे फुट को, या फिर कहीं पे भी आप यूज़ करते हो ड्राइनेस को दूर करती है। ये स्पेशली ड्राइनेस क्रीम है। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं बताइएगा ज़रूर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।